हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 41 FAD ट्रेसमैन ऑफ फायरमैन के बारे में। दोस्तों, एक बैड न्यूज़ निकल के आई है 41 FAD ले लद्दाख सेंटर से, और जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग कर रहे हैं ट्रेसमैन ऑफ फायरमैन में, उनकी तरफ से एक बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों, बैड न्यूज़ क्या है, क्या बुरी खबर है, ये जानने से पहले चैनल पर जो लड़के या लड़कियाँ पहली बार वेट कर रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बता दूं कि दोस्तों 41 FAD ट्रेसमैन फार्म में 350+ वैकेंसी आउट हुई थी, और इसमें फॉर्म भरने के 2 या 3 महीने बाद इसमें फिजिकल एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट भी आउट हो गया था। और जिन कैंडिडेट ने फिजिकल और एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, उनकी डेवी और पुलिस वैकेशन के बाद जॉइनिंग लेटर आ रहे हैं, और कुछ लड़कों ने जॉइनिंग भी कर ली है। और इसी के साथ बता दूं कि जॉइनिंग करने की लास्ट डेट 10 मई है। दोस्तों, बैड न्यूज़ ये है कि जो लड़के वहाँ पर जॉइनिंग कर चुके थे, और जॉइनिंग करने के 15-20 दिन तक तो वहाँ रेस्ट मिलता है, जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो और वो वहाँ के अकॉर्डिंग ही सांस बन जाए। पर दोस्तों, वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, चलने फिरने में। और शिक्षा बता दूँ, जो कैंडिडेट स्टार्टिंग में ही जॉइनिंग कर चुके हैं, उनकी 5 या 6 दिन की वहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग के बाद वहाँ पर 8 घंटे का काम करवाया जाता है, ड्यूटी रहती है 8 घंटे की, और वहाँ पर ड्यूटी टाइम पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। काफ़ी लड़के वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं सांस ना मिलने की वजह से। इसी वजह से वहाँ पर कुछ लड़के अपनी 41 FAD की ड्यूटी छोड़ के घर को आ रहे हैं, और 41 FAD में जो लड़के क्वालिफाई या जॉइनिंग कर चुके हैं, वो अपनी इस नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी के लिए घर आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी लड़के नौकरी छोड़ छोड़ के वहाँ से आ चुके हैं घर पर। दोस्तों, ये जो न्यूज़ दे रहा हूँ, ये 100% रियल है। जो कोई भी कैंडिडेट अब जॉइनिंग करने जाए, वहाँ पर देख के बाहर के ही जॉइनिंग करें, क्योंकि दोस्तों जो भी कैंडिडेट पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं, वो काफ़ी लड़के नौकरी छोड़ छोड़ के घर आ रहे हैं। और दोस्तों, जो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, ये 100% सच है। और जो भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहा है, वो जो ज्वाइनिंग करेगा, वो घबराए नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग या अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ही 41 FAD में ज्वाइनिंग ले। और कोई प्रॉब्लम है या फिर परेशानी आ रही है, तो वहाँ के सीनियर्स से बात करें। पर दोस्तों, जो जिनकी जॉइनिंग हो रही है, वो नौकरी ना छोड़ें, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन बड़ी मुश्किल से होता है, और सिलेक्शन के बाद आप नौकरी छोड़ते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। आप उनकी जगह वो घेर लेते हैं जो हॉबी कैंडिडेट हैं, दोस्तों वो जगह खाली रह जाती है। अब 41 FAD में कब दोबारा से भर्ती निकाली जाए, इसकी कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि अभी दोस्तों अभी तो जॉइनिंग चल रही है, कब जाके दोबारा से भर्ती आएगी। इसलिए जो भी कैंडिडेट वहाँ जॉइनिंग करने जाए, वो संभाल के करें, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पक्का रीज़न तो पता नहीं चला, क्योंकि क्यों नौकरी छोड़ी जा रही है बाबा, क्योंकि दोस्तों अभी तो जॉइनिंग चल रही है, जॉइनिंग टाइम में ही काफ़ी लड़के जो नौकरी को छोड़ छोड़ के घर आ रहे हैं। इसकी अभी जो भी लड़के हैं, यही बता रहे हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी लड़के बेहोश हो रहे हैं वहाँ पर ड्यूटी टाइम पर, इसलिए वो इस नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई किए जा रहे हैं। और कुछ लड़के जो वहाँ पर हैं, वहीं से अप्लाई कर रहे हैं, वहीं से तैयारी कर रहे हैं। और कुछ लड़के ने वहाँ पे जो जॉइनिंग के बाद, काफ़ी लड़कों ने नौकरी भी छोड़ दी है। और इसी के साथ बता दूँ कि नौकरी छोड़ने की वजह से और काफ़ी लड़कों के चले जाने की वजह से दूसरी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। हो सकता है दोस्तों, उम्मीद है जिनका सिलेक्शन 41 FAD में नहीं हुआ, वो दूसरी मेरिट में हो जाए। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट आ रहेगी और आ भी रही है, क्योंकि जिनका मेरिट लिस्ट में आ गया है, उनके लिए वेटिंग लिस्ट भेजी जा रही है वहाँ पर जॉइनिंग करने के लिए। काफ़ी लड़कों के लिए वेटिंग लिस्ट आ भी गई उनके घर तक पोस्ट ऑफिस से, इसलिए जो भी वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, वो अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर जानकारी करते रहें कि उनके नाम से कोई कॉल लेटर आया है या नहीं। इसलिए कोई भी कैंडिडेट घबराए नहीं। और दोस्तों, इसी से बता दूँ कि वेटिंग लिस्ट की कोई लिस्ट नहीं आने वाली है, और सीधे आपके घर ही एक नोटिस आएगा, जिसमें बताया गया कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, आप जॉइनिंग करने के लिए ले लद्दाख जा सकते हैं। और वे कैंडिडेट जिनका पहले ही सिलेक्शन हो गया और वेटिंग लिस्ट, वो जॉइनिंग लेटर घर आ गया है और जॉइनिंग का वेट कर रहे हैं, वो
देवहर के ही जॉनी लें, काफ़ी लड़के नौकरी छोड़ कर आ रहे हैं वहाँ से 21 फेरी में। दोस्तों ये सबसे बड़ी बुरी खबर है 41 फेरी से रिलेटेड। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि सही न्यूज़ है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर 41 फेरी से रिलेटेड वीडियोज़ और 41 फेरी से रिलेटेड न्यूज़ पल पल आपको देता रहता हूँ। आपको प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है 41 फेरी से रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर देना, 100% आपको रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन करें इंस्टाग्राम को और फॉलो कर लेना। आपको प्रॉब्लम तो आप मैसेज कर सकते हैं, 100% रिप्लाई मिलेगा। पर दोस्तों कुल मिला के ये है कि जो लड़के 41 फेरी में ज्वाइनिंग कर चुके हैं वो अपनी नौकरी को छोड़ छोड़ कर घर आ रहे हैं। दोस्तों काफ़ी लड़के प्रॉब्लम्स हो रही हैं सांस लेने में, चलने फिरने में, काफ़ी लड़के ड्यूटी टाइम पर बेहोश हो रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी लड़के हॉस्पिटल में रहते हैं ड्यूटी टाइम पर, इसलिए काफ़ी लड़कों को घर भेजा जा रहा है। और जो लड़के घर चले जाते हैं वो ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, बाबा कॉल करने के बाद जो वहाँ के ऑफिसर्स कॉल्स करते हैं मैसेज करते हैं ड्यूटी ज्वाइन करो, पर वो लड़के वापस आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यही कहना है कि जो भी लड़के अब ज्वाइनिंग करने जाएंगे वो संभाल के देखभाल के मौसम को देखने के बाद ही अपनी ज्वाइनिंग करें जिससे कि घर आना ना पड़े। और दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं पर नौकरी छोड़कर काफ़ी लड़के आ रहे हैं, ऐसा आप ना करें। और दोस्तों इतनी बढ़िया न्यूज़ दी है, इतनी बढ़िया तो नहीं है पर बैड न्यूज़ है एक तरह से फ्री से रिलेटेड, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस ऑन कर देना और इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी मैं अपडेट करता रहता हूँ जो भी मैसेज करता है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, और 41 फेरी से कोई डाउट होता है कमेंट कर देना या मुझसे इंस्टाग्राम पर्सनल मैसेज कर देना, पूरी हेल्प की जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में।